अरमान के साथ ब्रेकअप करके आयशा अपना सामान लेकर आश्रम से चली गई और आयशा को ना समझ पाने और ना ही रोक पाने की वजह से अरमान अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा और वहीं पर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और अपने सर पर हाथ धरकर वहीं पर बैठ गया और रोने लगा। बुआ आयशा के पीछे दौड़ते हुए चली गई और अभिलाषा बाहर आई और अरमान को संभालने लगी। आयशा ने अरमान को छोड़ दिया था ये जानकर सुरभि मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सुरभि ने अपने ही मन में कहा, वाह, मेरा प्लान इतनी जल्दी सफल हो जाएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो एक ही तीर में दो निशान वाली बात हो गई। सिर्फ अभिलाषा की जीभ ठीक करने से और उसकी याद शक्ति से छेड़छाड़ करने पर मुझे इस आश्रम में एंट्री भी मिल गई और आयशा भी आश्रम छोड़कर चली गई। मन तो कर रहा है कि यहीं पर भंगड़ा कर लूं, लेकिन यही सही मौका है अरमान को अपने प्यार के माया जाल में फंसाने का। एक बार जो ये माया ठान ले फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सुरभि ढोंग करते हुए बाहर अरमान के पास गई और अरमान के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसने अरमान से कहा, अरमान प्लीज संभालो अपने आप को, आयशा सिर्फ गुस्से में गई है, वो शांत होते ही लौट आएगी और अगर ना लौटी तो हम उसे दोबारा लेकर आएंगे, लेकिन तुम अपना दिल मत छोटा करो। देखो अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो अभिलाषा आंटी को कौन संभालेगा, अभी अभी तो बेचारी कितना कुछ सहन करके लौटी है। अभिलाषा ने अरमान को समझाते हुए कहा, बेटा रिश्ते ऐसे तोड़ने से टूट नहीं जाते। हाँ प्यार करने वाले एक दूसरे से रूठते जरूर हैं, लेकिन उससे रिश्ते नहीं टूट जाते। आयशा अभी गुस्से में है, उसे शांत होने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। रिश्तों में कभी कभी थोड़ी सी दूरी और प्यार गहरा कर देती है, और तुम उसकी फिक्र मत करो, बुआ गई है उसके साथ। अरमान को समझाते हुए आयशा और सुरभि उसे फिर से आश्रम में लेकर आए। उस तरफ आयशा अपना सामान लेकर चलते हुए किसी हाईवे तक पहुंच गई थी और वहां पर एक बस स्टॉप पर जाकर रुक गई थी। बुआ दौड़ते हुए उसके पीछे गई और उसे रोककर कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आयशा अभी कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं थी। आयशा के आंसू ही सूख चुके थे और वो सुन मन होकर बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। बुआ ने आयशा को समझाते हुए कहा, आयशा बेटी तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह जायज है, लेकिन अपने आप को अरमान की जगह पर रखकर देखो। अरमान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो कपटी माया जानती है, और इसी का फायदा उठाकर उसने अरमान की माँ को ही अपना मोहरा बनाया। अरमान अपनी माँ के सामने बेबस हो जाता है, और अरमान ही क्यों, अरमान के बदले कोई और भी होता तो शायद यही करता। तुम थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम आश्रम छोड़कर चली गई तो ये सुरभि की जीत होगी, क्योंकि सुरभि यही चाहती थी और तुमने उसे वही दिया। देखो अगर इस वक्त आश्रम नहीं जाना चाहती तो ना सही, हम दोनों कहीं और चलते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह खुले में रहना ठीक नहीं। चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं कुछ दिन। बताओ कहां पर चलोगी? कुछ दिन शिमला चले, बचपन की यादें भी ताजा हो जाएगी। बुआ के सवाल का आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा के मौन को उसकी हां समझकर बुआ ने कहा, मैं इस बस स्टॉप के पीछे जाकर दिव्य रास्ता खोलती हूँ, तुम आओ पीछे, हम अभी दिव्य रास्ते से होते हुए शिमला चले जाएंगे। ये कहकर बुआ बस स्टॉप के पीछे गई। उन्होंने देखा कि आसपास कोई देखने वाला नहीं था। ये तसल्ली करके बुआ ने अपना हाथ घुमाया और दिव्य रास्ता खोला और उन्होंने आयशा को आवाज लगाई, आयशा बेटा जल्दी आओ, रास्ता खुल चुका है। तब तक हाईवे पर से एक बस आई और बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। आयशा तुरंत ही अपने बैग उठाकर बस में चढ़ गई और बस आगे निकल गई। बस की आवाज सुनकर बुआ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि आयशा बस के अंदर चढ़ गई थी। बुआ ने तुरंत ही अपना दिव्य रास्ता बंद कर दिया और आयशा के पीछे भागी और भागते हुए चिल्लाते हुए बोली, अरे आयशा इस तरह बस में मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रही हो, मुझे भी तो साथ ले लेती। तब तक बस काफी आगे जा चुकी थी
बुआ ने तुरंत ही पीछे से आती हुई एक गाड़ी को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी। तब बुआ ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके उस गाड़ी को रोक दिया और ड्राइवर को भ्रम में डालकर खुद गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहा, उस आगे जाने वाली बस का पीछा करो। वो ड्राइवर उस बस के पीछे अपनी गाड़ी को ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजयदेव उस द्वीप पर बिना किसी दैवीय शक्ति के भी कालकूट विष के निर्माण को रोकने के लिए अकेले ही निकल पड़े थे। जब वेदिका और उसकी सहेलियां सो चुकी थी, तब चुपके से विजयदेव बाहर निकले और उस पर्वत की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में विजयदेव पर्वत के पास पहुंच गए थे। तभी उन्होंने उस पर्वत के ऊपर स्थित गुफा देखी जहां पर उसका द्वार था। विजयदेव चोरी छुपे उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए और उस गुफा के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था जो बंद था। दरवाजा खोलकर अंदर किस प्रकार जाया जाए ये देखने के लिए विजयदेव वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर इंतजार करके वो बैठे रहे, लेकिन वहां पर कोई हलचल नहीं हुई। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक से वो दरवाजा खुला और उसके अंदर से दो राक्षस कुछ सामान लेकर बाहर निकले और उस सामान को बाहर आकर रख दिया और उस सामान पर से कपड़ा हटा दिया। विजयदेव ने देखा कि वे बाहर एक टोकरी में कुछ बड़ी बड़ी मछलियां लेकर आए थे। उन्होंने उन मछलियों को उस टोकरी से निकालकर नीचे डाल दिया और अपनी दो उंगलियों को होंठों के पीछे दबाकर जोरों से सीटी मारी। अंदर जाने से पहले उन्होंने बाजू में दीवार पर एक छेद के अंदर उंगली डाली और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही दोनों राक्षस अंदर चले गए और दरवाजा फिर से बंद हो गया। विजयदेव ये देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, तब तक अचानक एक विशालकाय पक्षी कहीं से उड़ता हुआ आया और वहां पर रखी हुई मछलियां उठाकर फिर से उड़ गया। विजयदेव विशाल पक्षी को देखकर चौंक गए। उन्होंने कभी भी आज तक इतना विशाल पक्षी कभी नहीं देखा था। उस पक्षी के उड़ जाने के बाद विजयदेव उस पेड़ के पीछे से बाहर आए और गुफा के अंदर गए और अंदर जाने के बाद वो आसपास देखने लगे। तभी उनको गुफा की एक दीवार पर एक निशान दिखाई दिया और उस निशान के नीचे एक छेद था। विजयदेव समझ गए कि ये वही छेद होगा जिसके अंदर उन राक्षसों ने उंगली डाली थी और अरमान ने भी जिसके बारे में कहा था। तभी विजयदेव ने भी उस छेद के अंदर अपनी उंगली डाली। उंगली डालते ही अचानक से वहां पर जोर का सायरन बजने लगा। सायरन जैसे ही बजा, विजयदेव समझ गए कि वो किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे, इसलिए तुरंत ही उस गुफा के बाहर की दीवार पर चढ़ गए और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए। सायरन बजने के कुछ ही पलों के बाद तुरंत ही वहां का दरवाजा खुला और कई सारे सशस्त्र राक्षस सैनिक वहां से बाहर आ गए और उनके साथ ही सेनापति चंद्रहास भी बाहर आ गया। सेनापति चंद्रहास ने कहा, गौर से देखो, चारों तरफ देखो, किसी ने फिर से अंदर आने की कोशिश की है। जो कोई भी है वो यहां से जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढने लगो उस घुसपैठिए को। विजयदेव बड़ी चतुराई से वहां पर छुपकर बैठे थे जहां पर किसी भी राक्षस की नजर भी नहीं जाती। राक्षस सैनिक उस गुफा के चारों तरफ उस घुसपैठिए को ढूंढने लगे। कई सारे सैनिक पर्वत के नीचे उतरकर उस द्वीप पर ढूंढने लगे। सेनापति चंद्रहास खुद गुफा के छोर पर खड़े होकर अपनी दूरबीन से देखने लगा था। तभी कुछ सैनिक वेदिका और उसकी सहेलियों को जाकर पूछताछ करने लगे, जिस पर वेदिका और उसकी सहेलियां कुपित हो गई और उन सैनिकों के साथ झगड़ने लगी। गंधर्व कन्याओं और सैनिकों के बीच में चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए सेनापति चंद्रहास खुद पहाड़ से उतरकर उस तरफ गया जहां पर यह झगड़ा हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर विजयदेव चुपचाप चोरी छिपे नीचे उतरे और गुफा के अंदर चले गए। गुफा का दरवाजा अभी भी खुला था कि देखते ही विजयदेव खुश हो गए और वे उस दरवाजे के उस तरफ चले गए। इस तरफ कालासुर अपना कद एकदम छोटा करके हवा में उड़ता हुआ आश्रम की तरफ आने लगा। कालराज को अब पूरी तरह से यकीन था कि अब अरमान को कालासुर से कोई नहीं बचा पाएगा और आयशा के पेट में बनने वाला बालक अब पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कालासुर हवा में उड़ता हुआ आश्रम के पास पहुंचने वाला ही था कि बस में बैठी हुई आयशा का पेट बहुत जोरों से दुखने लगा। अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाने के कारण आयशा अपने पेट में हाथ रखकर चिल्लाने लगी।
बस में आसपास बैठे हुए लोग तुरंत ही आयशा के सामने देखने लगे और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। लोगों ने आयशा को पूछना शुरू किया कि उसे क्या हो रहा था, तब अचानक आयशा को मन में आभास होने लगा कि कहीं कुछ ठीक नहीं था और उसे फिर से आश्रम लौटना चाहिए। इसलिए आयशा ने तुरंत ही बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बस रोक दी। आयशा तुरंत ही बस से नीचे उतर गई। आयशा को नीचे उतरते हुए देखकर बुआ जिस गाड़ी से उसका पीछा कर रही थी वो भी रास्ते की एक तरफ आकर रुक गई। बुआ जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तब आयशा तुरंत ही भागकर बुआ के पास आई और बुआ से बोली, मुझे बहुत जोरों से आभास हो रहा है कि आश्रम में कहीं कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, प्लीज मुझे जल्दी वहां पर ले चलिए। आयशा की बात सुनते ही बुआ ने तुरंत ही आयशा को गाड़ी में बिठाया और दोनों फिर से आश्रम की तरफ रवाना हुए। आश्रम की तरफ रवाना होते ही आयशा के पेट में एकाएक दर्द कम हो गया। उस तरफ काला सर आश्रम पहुंच गया और तुरंत ही वो अपने असली रूप में आकर आश्रम के सामने खड़ा हो गया। उस भयानक विशाल राक्षस को देखकर आश्रम के बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो एकदम घबरा कर चिल्लाते हुए आश्रम के अंदर भाग गए। बच्चों को इस तरह से घबरा कर चिल्लाते हुए देखकर सुजान देखने के लिए बाहर आया। सुजान ने इतने बड़े विशाल राक्षस को देखा और वो भी एकदम घबरा गया और वो भी दौड़ते हुए आश्रम के अंदर गया और अरमान को इस बात की खबर दी। ये सुनकर अरमान तुरंत ही दौड़कर बाहर आया और उसने जैसे ही अपने सामने इतने विशालकाय राक्षस को खड़ा देखा वो तुरंत ही सतर्क हो गया। अरमान ने तुरंत ही अपनी सहायता के लिए विजयदेव को बुलाने के लिए एक विशेष प्रकार के मंत्र का जाप किया, लेकिन अरमान भी इस बात से अनजान था कि विजयदेव उस द्वीप पर फंसे हुए थे जहां पर उनकी दैवीय शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी। अरमान इसके आगे कुछ सोच और समझ पाता उससे पहले कालासुर ने तुरंत ही अपना विशाल पैर उठाया और सीधा अरमान को उस पैर के नीचे कुचलने लगा। अरमान तुरंत ही बाजू में एक तरफ कूद गया। कालासुर का पैर आश्रम के दरवाजे और गेट के ऊपर पड़ा और दोनों ही टूटकर चूर चूर हो गए। कालासुर फिर से अरमान के ऊपर अपना दूसरा पैर रखने गया लेकिन अरमान वहां से भी कूद कर परे हट गया। तभी अरमान ने तुरंत ही अपना फरसा प्रकट किया और कालासुर के पैर पर अपना फरसा मार दिया। अरमान का दिव्य फरसा पैर पर पड़ते ही कालासुर के पैर की सबसे छोटी उंगली कट गई। कालासुर दर्द से कराह उठा। तब तक सुरभि और अभिलाषा दोनों दौड़ते हुए आए और उस विशालकाय राक्षस को देखकर एकदम हैरान रह गए। सुरभि उसे देखते ही पहचान गई। सुरभि ने अपने मन में कहा, कालराज ने इस कालासुर को जगाकर धरती पर बुला लिया है, अब ये अरमान को नहीं छोड़ेगा, मुझे अरमान को बचाना होगा, लेकिन अगर यहां पर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वक्त मेरा कुछ ना करना ही बेहतर होगा। ये सोचकर सुरभि डर के मारे चिल्लाने लगे और ढोंग करने लगे। अपने पैरों की छोटी उंगली कटने के कारण कालासुर बहुत गुस्से में आ गया और तुरंत ही नीचे झुककर उसने अरमान को उठाया और अरमान को अपनी मुट्ठी के बीच में कुचलना शुरू कर दिया। कालासुर की मुट्ठी की पकड़ इतनी सख्त थी कि अरमान चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। अरमान का फरसा भी उसकी मुट्ठी में बीच में फंसा हुआ था। अपने बेटे को इस तरह उस विशाल राक्षस की मुट्ठी में फंसे हुए देखकर अभिलाषा दौड़ते हुए बाहर आई और अपने हाथ में पत्थर उठाकर कालासुर की तरफ फेंकने लगी और पत्थर फेंकते हुए अभिलाषा बोल पड़ी, छोड़ दे मेरे बेटे को दुष्ट, छोड़ दे। लेकिन कालासुर के कानों में जूं तक नहीं पड़ी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान को अपनी मुट्ठी के बीच में कुचले जा रहा था। तभी उसने अरमान को खाने के लिए अपना मुंह खोला। उसके लंबे नुकीले दांत देखकर सभी लोग घबरा गए। अभिलाषा रोते हुए सबसे विनती करने लगी, अरे कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, ये राक्षस उसे मार डालेगा, अरे कोई तो रोको इसे, अरे दुष्ट राक्षस चाहिए तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ये कहकर अभिलाषा जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन किसी के पास उस राक्षस को रोकने की ताकत नहीं थी। तभी अचानक पीछे से आयशा की आवाज आई, अपनी जान प्यारी है तो रुक जा कालासुर। क्या आयशा कालासुर को रोक पाएगी? क्या कालासुर जैसे महाभयंकर राक्षस का सामना अरमान और आयशा कर पाएंगे? क्या अरमान और आयशा के बीच के फासले कम हो पाएंगे? क्या विजयदेव बिना किसी दैवीय शक्ति के सबसे बचकर कालकूट विष के निर्माण को रोक पाएंगे?
जानने के लिए सुनते रहिए।